जर्मनी के बाद फ्रांस और स्वीडन के लाभ ने भी रूस के विपक्षी नेता और पुतिन के विरोधी एलेक्सी नवल्नी को प्रतिबंधित जहर दिए जाने की पुष्टि कर दी। इसे लेकर जर्मनी समेत कई देशों ने रूस पर सवाल उठाए थे। एलेक्सी नवल्नी की हालत में अब सुधार हो रहा है, वो अब बेड से उठ भी सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन पर निशाना साधा। नेवादा में उन्होंने कहा कि वो बिडेन को मानसिक समस्या है, वो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य नहीं। शिंजो आबे के बेहद करीबी योशीहिदो सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री होंगे। शिंजो आबे की नीतियों को वो जारी रखेंगे। कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ना, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी प्राथमिकता होगी। चीन अमेरिका में तनाव के बीच बीजिंग में अमेरिकी राजदूत ने अपना पद छोड़ने का फैसला किया। ये जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट करके दिए। पोम्पियो ने राजदूत टेरी ट्रॉन्सेट बताया कि वो अपना पद छोड़ रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण यात्रा पर प्रतिबंध पर सऊदी अरब ने बड़ा फैसला लिया। जनवरी 2021 तक से यात्रा प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिए जाएंगे। साथ ही 15 सितंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी शुरू कर दिया जाएगा। ग्रीस के लेस्बोस द्वीप पर बड़ी संख्या में प्रवासियों के रहने के लिए कैंप बनाया गया। सरकार ने कैंप अभी अस्थायी तौर पर बनाए। इन कैंप्स में अब तक 300 प्रवासी रहने के लिए पहुंच चुके हैं। WHO की नई चेतावनी से दुनिया में कोविड-19 के खत्म होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई। WHO ने कहा कि अक्टूबर नवंबर में इस संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या और ज्यादा होगी। पूरी दुनिया में कोरोना 2,92,00,000 के पार इसके मरीज पहुंच गए। मरने वालों की तादाद 9,29,000 से ज्यादा हो गई। कोरोना के बीच इटली में स्कूल खोल दिए गए। स्कूल खुलने की खुशी में बच्चे एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। रोम के स्कूल में छात्रों की भीड़ लगी रही, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए बच्चे दिखाई दिए। रोमानिया में कोरोना लॉकडाउन के लंबे समय बाद स्कूल खुल गए। बच्चों ने फिर से स्कूल खुलने पर बेहद खुशी जताई। पेरेंट्स ने भी स्वागत किया, लेकिन माता पिता अपने बच्चों को लेकर डरे हुए हैं।